गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे द्वारा लेसन फोर में आगे बढ़ते हुए लास्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा, चक्रवात एक प्राकृतिक आवेश। चक्रवात चक्र के रूप में पवने तेजी से चलने लगती हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, पवन की गति बहुत तेज हो जाती है, बारिश आने लगती है और एक तरह का प्रलय है। ये हम इसके अंतर्गत बुक से पढ़ते हैं। बुक में आपके पेज नंबर 25 पर ये दिया हुआ है और इसमें भारत के एक चक्रवात का उदाहरण लेते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे। चक्रवात एक प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट, पूर्वी समुद्री तट आपको अच्छे से पता है, भारत, यदि हम भारत को इस तरीके से बनाकर रखते हैं तो ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। मतलब यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से तूफान या चक्रवात उठ रहा है। आया बच्चों, समझ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 व 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। 29 अक्टूबर 1999 को ही एक अन्य महाचक्रवात भी आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई थी। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय उत्प्रोत्कर्ष से हानियां हुई थी। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवन चली थी और लगभग 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ये पवनें चलती रही थी। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों और घरों की छतों भी उड़ गई, विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में जो भी तटीय क्षेत्रों के अंदर भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं जिसके कारण तैयार खड़ी फसलें, जो धान की फसलें तैयार खड़ी थी कटने के लिए, वो सारी की सारी नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाद के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा था। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया था। ये दोनों नाम नोट कर लेना बच्चों, कल को पूछ लिए जाएं आपसे। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान, बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच के स्थित मैग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, आर्द्रता। आर्द्रता कहते किसे हैं? आर्द्रता होती है हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प की बूंदें। मतलब हमारे वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है उसे ही आर्द्रता का नाम दिया जाता है। जब वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम असहज महसूस करते हैं। बारिश हो जाती है तब तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब वायुमंडल में आर्द्रता बन जाती है तो हमें तकलीफ होने लगती है, हम असहज होते हैं, हमारी घबराहट बढ़ने लगती है। पढ़ें बच्चों, क्या है आर्द्रता?
जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, मतलब भाप बनकर ऊपर उठता है, तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। बच्चों, ये आर्द्रता की डेफिनेशन है, इसे नोट कर लो और अपनी कॉपी में लिख लेना। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमताएं भी बढ़ती जाती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जलवाष्प बनता जाता और ऊपर की ओर उठने लगता है। इस प्रकार से ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी अधिक समय लगने लगता है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से सूखता नहीं है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना भी शुरू हो जाता है। जलवाष्प सघनित होकर, सघनित से मतलब सारी बूंदें जब एक साथ इकट्ठी होने लगती हैं, सघन होने लगती हैं, उसके लिए एक शब्द है सघनित होकर, ठंडा होकर जल की बूंदों को बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी अधिक भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। देखा होगा आपने, हवाई जहाज जब आसमान में उड़ते हुए जाते हैं तो अपने पीछे एक पथ चिन्ह सा छोड़ते हुए जाते हैं। इन इंजनों से निकलने वाली नमी सघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में ये सघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है और फिर उसके बाद वो गायब हो जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ये लाइन वर्षा की डेफिनेशन के रूप में नोट कर लेना। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ कट जाते हैं या काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत होकर पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा तीन प्रकार की होती है, एक संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरी चक्रवातीय वर्षा। बच्चों, ये तीनों वर्षा के चित्र आपके दिए हुए हैं बुक में, इन तीनों चित्रों का निर्माण आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट है हमारे पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है और वर्षा यदि कम होती है तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण आप जानते हैं बच्चों, वर्षण के दूसरे रूप हिम, साहिम, वृष्टि तथा ओला होते हैं। क्वेश्चन आंसर आप करके देखिएगा, यदि आपको कोई समस्या आती है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।